राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री का सभी प्रभारी मंत्रियों को फरमान जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभार वाले जिलों में प्रभारी मंत्री जाए, कम से कम दो बार जरूर जाए प्रभारी मंत्री। प्रभारी मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद बढ़ाए, विकास के रोडमैप के साथ में चर्चा करे, और साथ ही 15 अगस्त झंडा वंदन पर कई मंत्री दौरा भी कर चुके हैं। दो जिलों का जिम्मा संभालने वाले मंत्री एक ही जिले में पहुंचे। अभी तक 27 मंत्री पहला दौरा कर चुके हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रभारी मंत्रियों को कैबिनेट बैठक से पहले यहां पर पहुंचना होगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से यह आदेश दिया गया है, जहां पर अलग अलग जिलों का प्रभार मंत्रियों को सौंपा गया है और इसी के तहत 15 अगस्त की तैयारियां भी चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि जिन्हें जिलों का प्रभार दिया गया है वो अब जिलों में दौरा करें, कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करें और पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके इस पर भी चर्चा की जाए। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से प्रभार मंत्रियों की जिम्मेदारी तो तमाम मंत्रियों को सौंप दी गई है, लेकिन अब सवाल यही है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन किस प्रकार से करें, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री का ये आदेश। देखिए, लंबे अरसे बाद जिलों को प्रभारी मंत्री मिले हैं सरकार बनने के बाद। हम देखें वो 15 अगस्त पर, जैसा मुख्यमंत्री ने शुरुआत में कहा था कि जो भी मंत्री है 15 अगस्त के पहले प्रभारी मंत्री बना दिए जाएंगे और झंडा वंदन भी करेंगे, लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जो 15 अगस्त पर भी नहीं जा पाए, खासकर उन जिलों में जहाँ दो दो जिलों की जिम्मेदारियाँ हैं। तो मुख्यमंत्री ने अपने अफसरों से पूछा है कि कौन प्रभारी मंत्री किस जिले में गया है और नहीं गए हैं, तो उनसे आग्रह करें कि वो उन जिलों में जाए जिस जिले में नहीं पहुँचे हैं। मकसद यही है सरकार का, क्योंकि प्रभारी मंत्री जो होता है वो सरकार का नुमाइंदा होता है। वहाँ यदि जाएंगे तो वहाँ के विकास कार्यों का रोडमैप जो है, किस तरह से काम कर रहा है प्रशासन, उस पर बात हो पाएगी, और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ की जनता है उसके साथ न्याय मिल पाएगा, क्योंकि वो अफसरों के बीच की धुरी होते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की बैठक जो होना है उससे पहले सभी प्रभारी मंत्री कम से कम एक एक बार अपने जिलों का दौरा कर ले, और दौरा करने के उपरांत जो भी रिपोर्ट, जो भी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है उससे आकर पर्सनल बात करें। मकसद यही है कि विकास के काम आगे बढ़े और जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि सरकार आपकी है, आपके लिए है, और जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने जा रहे हैं। तो हर एक प्रभारी मंत्री को कम से कम दो बार महीने में जाना पड़ेगा अपने जिलों में, ऐसा उनका आग्रह भी कहें और फरमान भी कह सकते हैं इसको। और दूसरी बात यह है कि जो दो जिले हैं वहां भी दो दो बार पहुंचना होगा। तो अब तमाम मंत्रियों को अपने रोडमैप तय करना होगा कि कब कौन कहां पहुंचता, पर कैबिनेट के पहले पूरी रिपोर्ट मांगिए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तो मनोज जी, मुख्यमंत्री की ओर से अब आदेश फरमान तो जारी कर दिया है, लेकिन इस फरमान का किस प्रकार से निर्वहन किया जाता है और कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।